किसानों के लिए किस तरह वह अपने जमीन में उपजाऊ फसल उगाए और कौन से टेक्निक वह अपनाए, यह ज्ञान देने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है indoasiancommunity.com। इस वेबसाइट के जरिए किसान अच्छी फसल के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल कर फसल उगा सकती है। इस बात की जानकारी देने के लिए मराठी पत्रकार संघ में पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया जिसमें इस वेबसाइट के संदर्भ में दी गई जानकारी। indoasiancommunity.com के बारे में डॉक्टर क्रांति का क्या कहना है ये जानते हैं। कपास अनुसंधान संस्थान जो नागपुर में है उसका निदेशक हूँ। आज का जो विषय था इस पैनल डिस्कशन में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इसकी पैदावार की लाइक टेक्नोलॉजीज का प्लेसमेंट और उसका उपयोग कैसा कर सकते हैं अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए। तो आज का जो वेबसाइट था इंडोएशियन कमोडिटीज, ये एक अच्छा स्टेप है। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इनका मेन उद्देश्य है जो जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है इसके ऊपर एक डिस्कशन हो, एक ओपन डिस्कशन हो कंट्री में, और जो अच्छे टेक्नोलॉजीज़ है एग्रीकल्चर में ये सभी टेक्नोलॉजीज़ को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके ये हम किसान तक इनको कैसे ले जाएंगे, ये इनका विषय था आज। तो मेरे ख्याल में अभी जो चेंजेस आ रहे हैं अपने कंट्री में ये बहुत ही अच्छे चेंजेस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का ये इसको या इवन इनफैक्ट लाइक द एंटायर मोबाइल रेवोल्यूशन है। तो इससे जो पहले होता था अपने पास लाइक जो अच्छे टेक्नोलॉजीज़ थे ये किसान तक ये बिल्कुल नहीं जा रहे थे, आज स्थिति पूरा ही बदल गया है। एंटायर मीडिया का जो माध्यम है, वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर्स है या इट कुड बी लाइक ऑल दीज वेबसाइट पोर्टल्स है या इवन थ्रू द टेलीविज़न, ये पूरे लाइक इन माध्यम से अपने लाइक जो भी टेक्नोलॉजीज है, अच्छे टेक्नोलॉजीज़ है, ये आज किसान तक पहुँच रहे हैं। तो आज का प्रयास भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था जो डिस्कशन भी। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो वेबसाइट्स है, ऐसे वाले वेबसाइट्स, दे विल सर्व एज अ गुड प्लेटफॉर्म वेबसाइट। इट इज़ कॉल्ड indoasiancommodities.com। तो इनका मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन। ये जितने भी अपने पास आज टेक्नोलॉजीज है, बाहर के हैं या अपने देश में हैं, इनके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो। इस डिस्कशन के आधार पर इसका टू कंसोलिडेट द टेक्नोलॉजीज़ और इनको ये टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे लेके जाएंगे, आगे कैसे लेके जाएंगे किसान के पास। सर, ये सिर्फ और सिर्फ कृषि उद्योग से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज होगी? ये कृषि होगा और लाइक मार्केट भी होगा इसका। लाइक कृषि के बाद का जो है, इसके बाद क्या करे किसान, जो जैसा मैं लाइक कह रहा था कि लाइक यदि किसान के मन में एक प्रश्न है कि आज बेचूं मैं या कल बेचूं या इसके बाद एक महीने के बाद मैं लेके जाऊं अपने लाइक जो प्रोडक्ट है मार्केट लेके जाऊं, तो इसके लिए ऐसे वेबसाइट्स यदि एक अच्छे लाइक सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी के तौर पे लाइक दिस विल बी वेरी यूजफुल। दिशा निर्देशक की तरह काम करेगा। बिल्कुल, दिशा निर्देश मिलेगा किसान को, मिलेगा इसके कारण, इसके